बिहार में खास करके हमारे लालू प्रसाद जी हों या महागठबंधन के लोग हों जिनको कि आप नकारने का प्रयास कर रहे हैं, वो भूल मत कीजिए। और जब ऐसा कीजिएगा तो फिर नज़दीक में, जैसा कि आज बिहार की जनता ने आपको बताने का काम किया है, समझाने का काम किया है, आगे आने वाला दिन में इसका आपको नतीजा भोगना पड़ेगा। इसलिए ये जो चुनाव हुआ बहुत ऐतिहासिक चुनाव हुआ, इसका बड़ा दूरगामी महत्व है। और एक सिद्धांत माननीय लालू प्रसाद जी का किया हुआ है, उद्भूत किया हुआ है, और उसके आधार पर आज बड़ी भारी सफलता मिली है। ये भी एक गाइडलाइन हम लोगों के लिए है कि आगे आने वाला दिन में महागठबंधन के लोग एकत्र होंगे और भाजपा जो यहाँ आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी जो काम कर रहे हैं और अपने मद में चूर हैं, जिसके चलते देश के अखंडता और उसकी सुरक्षा को भी वो समझ नहीं रहे हैं कि क्या होगा, उसमें शायद उनको सोचना पड़ेगा। और नहीं सोचेंगे तो फिर 2019 के चुनाव में उनको जाना पड़ेगा। यही आज के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं और पुनः पुनः बिहार की जनता को, इसमें मीडिया लोगों का भी सहयोग है, मीडिया लोगों ने भी काफ़ी निष्पक्षता से काम किया है, इसलिए आपको भी इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम समझते हैं कि बिहार की जनता को जितना भी धन्यवाद दें वो कम है। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया, लोग कहते थे कि तेजस्वी बच्चा है, ये साबित हो गया है कि लालू जी का आशीर्वाद है, महागठबंधन के साथियों का सहयोग है और सभी के सहयोग से तेजस्वी जी एक उभरता हुआ सितारा है और बिहार का एक भविष्य है। और इस चीज़ को ये बाई इलेक्शन के माध्यम से भी जनता ने स्वीकारा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं या भावी मुख्यमंत्री के रूप में इनको हम लोग प्रोजेक्ट किया है, उसको बिहार की जनता ने इस उपचुनाव के माध्यम से तस्दीक दिया है। इसके लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी का प्रतिकरण है कि हम तमाम लोग साथ यहाँ चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी की जो उल्टी गिनती में बोलता था वो शुरू हुई। आपने बात की भगुआ की, भगुआ के जो चुनाव थे उसका परिणाम अगर आप देखें तो आश्चर्यजनक रूप से जिस तरह से हमारे प्रत्याशी ने वोट लाया, 50,000 वोट, हमारे यहाँ से भी टिकट इतनी हुई थी चुनाव से पहले, आपने देखा था कि जीरो पर वोट आउट होगा हमारा प्रत्याशी, लेकिन जिस तरह से हमने वहाँ चुनाव लड़ा और सचमुच में वहाँ ने जनता ने हमें स्वीकार किया, हमारी लड़ाई वहाँ सरकार से थी, सरकार ने जिस तरह से वहाँ ईवीएम मशीन का डिप्लॉयमेंट किया, आपने देखा आदरणीय मांझी जी ने कहा 147 मशीन वहाँ डाले गए, मैंने डीएम से बात की और बात करके जब हमने उनसे कहा कि इस तरह से हमारे वोटर वहाँ सुबह से खड़े हैं, 11 बज रहा है, क्या व्यवस्था है, उन्होंने कन्फेस किया कि हमारे पास कमी है ऐसे इंजीनियर्स की जो रेक्टिफाई करें मशीन्स को, और हमारा वहाँ लो पोल हुआ। दोबारा जो 27 जो हमारे जो वहाँ पोल हुए, जो मशीन डिप्लॉय की गई थी उसमें भी अगर आप देखें तो 2 मशीन वहाँ काम नहीं कर रही थी, और ऐसे बहुल क्षेत्र में वो हमारे 27 वोट थे जहाँ हमारे वोटर नहीं थे, लेकिन जहाँ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र था, जहाँ दलित और हमारे जो अपने नेचुरल वोटर्स थे, वहाँ वैसी मशीन को जान करके प्लेस किया गया था। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ अपने तमाम साझा कार्यकर्ताओं को कि एक जबरदस्त उत्साह के साथ ये आपने देखा कि वहाँ 50,000 वोट से हमारे पास सिक्योर्ड हुए और जिस तरह से एक मैसेज गया पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, तो आप बार बार तेजस्वी जी कहते हैं चचा आदरणीय नीतीश जी को, लेकिन आज ये वोट साबित करता है कि ये चचा के भी ये चचा हैं जो रिजल्ट आया, नीतीश जी के भी चचा के चचा हैं ये जो रिजल्ट आया है ना। इसलिए मैं तो अविलंब मांग करता हूं कि सचमुच में जाएं और जाकर के राज्यपाल के पास वो अपना इस्तीफा दें और जिस तरह से एक वैचारिक उन्होंने मतभेद जाहिर किया, हमारे साथ बैठे हैं हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, देखिए इनके आने से भी हमें जो है सफलता मिली और मजबूत हुआ है। और जिस तरह का कांग्रेस का शुरू से प्रयास रहा है, मैडम ने जिस तरह से आपके रात को डिनर पर सब लोगों को बुलाया, आने वाले समय में मैंने कहा था कि एक धमक दिखाई देगी हमारे महागठबंधन की, तो ये धमक था। नीतीश जी ने तो पहले ये भी कहा था कि जहाँ ऐसी घटना हुई है वहाँ हम अपने प्रत्याशी नहीं देंगे, लेकिन क्यों खड़ा किया फिर, और उसके बाद दावा करते गए, प्रचार में गए, प्रचार में फिर वोट क्यों मांगा, जब उनको पता ही था कि सिंपथी का होगा तो उनको तो कैंडिडेट ही नहीं देना चाहिए था, और फिर कैंडिडेट दे दिए तो दावा भी नहीं करना चाहिए था, बोलते कि हमने हारने के लिए खड़ा किया। और बगल में यूपी मांझी जी ने तो बताया क्या हुआ वहाँ मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का और उप मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का, अब बिहार में डबल इंजन सरकार का, अररिया सीट आप देखें, आपको हमने बताया कि लगातार 1998, 2004, 2009 में बीजेपी कंबाइंड जेडीयू लड़ी तो जीती, फिर 2014 में जो चुनाव हुआ अलग लड़ी तो हम लोग जीते, लेकिन इस बार फिर से कंबाइंड हुई तो हम लोग जीते हैं बड़ी मातों से, तो इसका तो जवाब जनता ने दिया है।
और अब तो हमको लगता है ऐसा कि यूपी में और बिहार में पटकनिया खाने के बाद बीजेपी की जो हालत हुई है, अब उनका एक ही काम रह गया होगा कि अब यूपी और बिहार में ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स ज़्यादा तेज हो जाएगा। और हम तो आप लोगों से माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं, जो भी एनडीए गठबंधन में जो लोग असहज महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं नीतीश जी को छोड़ करके, उनको तो हम आमंत्रण भी देंगे कि आप वहाँ क्यों रह रहे हैं। आपको तो जो भी लोग चाहे जनता दल यूनाइटेड के भी विधायक हैं, इतनी नाराज़गी है उन लोगों में, इतनी बड़ी नाराज़गी है, लेकिन फिर भी डरे ना, सामने आकर के महागठबंधन में आए। हम खुला तौर पे हम आमंत्रण देने का काम करते हैं। नीतीश जी को छोड़ करके वो तो पार्ट एंड पार्सल आरएसएस है ना, लेकिन नीतीश जी तो कहते थे कि मेरे चेहरे पे वोट मिला। अब पता बता दीजिए कि किनके चेहरे पे वोट मिला, क्यों नकारा नीतीश जी के चेहरे को। इसका जवाब तो हम तो बड़ा उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश जी आएंगे और इस पर स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि उनका अंतरात्मा जागता रहता है कभी कभी। लेकिन आप देखिए अभी तो सुकून की नींद से सोया हुआ और एंगल दे रहे हैं सिंपथी का। हम तो कह रहे हैं हमको तो सबका वोट मिला है, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, महादलित हो, ईबीसी हो, ओबीसी हो, सबका वोट मिला है। अगर सिर्फ माई समीकरण में हम लोग सीमित रह जाते तो जहानाबाद में जो इतना बड़ा मैंडेट मिला वो तो नहीं हो पाता। तो हम ये कहना चाहते हैं जो हमारी जो जीत हुई है ये राजनीतिक समीकरण से नहीं, एकजुट जो हुए हैं सामाजिक एकीकरण से हुई है। ये जो जीत है राजनीतिक समीकरण से नहीं, आपका सामाजिक एकीकरण से जीत हुई। बात देते हैं कि उन्होंने मौका दिया हमको चचा बनने का। नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं, अगर हम शायद डिप्टी सीएम होते तो ये मौका नहीं मिलता। विदेशों में भी जहां ईवीएम का है, अभी यूएस में भी एक यूएस की कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि शायद ईवीएम में वो छेड़खानी कर सकते हैं, किया भी है, ऐसा करके भी दिखाया है। आप देखिए आश्चर्य की बात है कि बाई इलेक्शन जो भी होता है तो बीजेपी हारती है, लेकिन जब मेन इलेक्शन होता है, अभी त्रिपुरा का चुनाव देख लीजिए, बीजेपी कहीं नहीं थी, हरियाणा में कहीं नहीं थी, अचानक से बहुमत पे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये कहीं ना कहीं संदेह मन में लोगों के तो है, आखिर बैलेट पे कराने का नुकसान क्या है? जब अमेरिका जैसे देशों में बैलेट पे चुनाव होता है तो क्या दिक्कत है? लेकिन हमको जबरदस्ती करने का क्या मतलब है? जब सब ज़्यादातर पार्टियां जब चाहती हैं कि बैलेट पे चुनाव हो, सिवाय बीजेपी को छोड़ करके और कुछ एक का दो का लोग को छोड़ करके, तो क्या दिक्कत है इसमें?